हेलो फ्रेंड्स, आ गए कौन नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है अपना गुलदाउदी के कुछ प्लांट सैपलिंग्स को जो है लगा रहे थे पॉलीबैग्स में, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लें किस तरीके से हम लोग लगाएंगे। तो ये मेरे पास 3 और 4 कटिंग्स मैंने ग्रो करी थी, तो इनको हम लोग लगाने वाले हैं पॉलीथीन्स में। तो चलिए आइए हम लोग दिखाते हैं। तो ये जो है हम लोग उनको निकाल लेते हैं, और यहाँ पे भी मैंने ये लगाई थी कटिंग्स कुछ। तो अभी हम लोग जो ये पॉली बैग्स को फिल कर लेते हैं, फिल करने के बाद आपसे हम लोग मिलते हैं। और ये बड़ी वाली पॉलीथीन जो हमें मिलती है उसी में लगाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको पॉली बैग्स को फिल करने के बाद। तो ये हमने पॉली बैग्स फिल कर लिए हैं और ये प्लांट्स हमने निकाल लिए हैं, तो इनको भी साइड कर देते हैं। इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डालेंगे जिससे हमारी कटिंग्स हेल्दी चलेंगी। देखिए एक एक प्लांट कितनी बड़े बड़े हैं। तो देखिए इसके अंदर ये हम लोग जो है वर्मी कंपोस्ट है मेरे पास, ये 1 टीस्पून हम लोग एक पॉली बैग के अंदर हम लोग डालेंगे, इतना सफिशियंट रहेगा। और एक बहुत स्पेशल चीज़ अभी हम लोग आपको लास्ट में बताएंगे, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा स्पेशल जादुई चीज़ है, ऑल पर्पज़ है, वो ऑल इन वन है। उसको यूज़ करेंगे तो आप उसका हाथ एक बार पकड़ लेंगे तो आपको गार्डनिंग में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ये जो आप देख रहे हो ये है मेरी NPK 20-20-20 होममेड बनी हुई। इसका दूसरा पैकेट हम लोग ये दिखा देते हैं। ये है मेरा वुडैश, इसके अंदर NPK जो है हमारे क्रिस्टल वाले जो होते हैं उसको पाउडर फॉर्म में हमने इसमें डाला हुआ है। तो 1-1 टीस्पून हम लोग ये भी डाल देंगे। और इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करना है आपको, इसको 1/2 टीस्पून के करीब आपको लेना है, और इसको पानी में आप लोग डिसॉल्व करके जब हम लोग कटिंग लगाएंगे तो हम लोग जब लग जाएंगे पॉलीथीन में तब इसको हम पर ऊपर से वाटरिंग कर देंगे। तो देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो अब जो है हम लोग ये सैपलिंग्स को लगाते हैं, एक एक करके सैपलिंग्स में पॉलीथीन में होल करके 1/2 इंच इसकी कटिंग को लगा देंगे। बिल्कुल ऊपर ना लगाएं, गलने के भी चांस रहते हैं। अभी जो है सैपलिंग्स ही हमने इसको लगाना है। देखिए बस सिंपली हम लोग लगा रहे हैं, नॉर्मल गार्डन सॉइल है। बस ये 2-3 चीज़ आप करेंगे तो आपका प्लांट बिल्कुल भी नहीं मरेगा, बढ़िया चलेगा फुल सनलाइट में। आपको इसको सब लोग को वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।